हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार सीड पिंक। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। तो आज मैं आप लोग के लिए नए टॉपिक पे रीडिंग लाई हूँ। सॉरी गाइस, रीडिंग नहीं, वो मेरे जो यूनिवर्स 11/11 चैनल है वहाँ पे टैरो रीडिंग करते करते मेरी मतलब हैबिट हो गई है कि रीडिंग लाई हूँ, ठीक है। तो एक टॉपिक लाई हूँ, ठीक है, डिस्कस करने के लिए आप लोगों के साथ। ये मेरे एक व्यूअर्स ने मुझसे सवाल पूछा था कि कैसे इनर डीएम को हम बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा अचानक से इनर डीएम हावी हो रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था, तो मैंने उन्हें नहीं दिया क्वेश्चन। मैंने सोचा कि वीडियो में एक साथ दूंगी, आप सभी को दूंगी, ठीक है। तो मैं बताऊंगी कि इनर डीएम एंड डीएफ को कैसे बैलेंस कर सकते हो आप लोग, ठीक है। सिर्फ डीएम नहीं, डिवाइन हमारे अंदर जो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है उसको कैसे आप एक साथ बैलेंस कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ये मेरे हर बार की तरह रिक्वेस्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर अभी तक नहीं किए हो तो बेल बटन पे ज़रूर प्रेस करना, ताकि मेरे वीडियोस के अपडेट आप तक बहुत पहले पहुंच सके, ठीक है। और लाइक शेयर तो करना ही है आपको, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और हाँ, मेरे यूट्यूब और एक चैनल है यूनिवर्स 11/11, वहाँ पर भी आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना। वो मेरा टैरो रीडिंग का चैनल है, ठीक है। वहाँ पे मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। आप लोगों के पास अगर कुछ नए टॉपिक हो, आप लोग अगर मुझसे जानना चाहते हो, टैरो रीडिंग करवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और इस चैनल पे भी, स्टार सीड पिंक चैनल पे भी, आप लोगों के पास अगर कुछ नए टॉपिक हो, आप लोग जानना चाहते हो, तो ये भी आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उस टॉपिक पर भी आप लोगों के साथ ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। और मेरी वीडियो आप लोगों को कैसे लग रही है और कितनी ज़्यादा आपको हेल्प मिल रही है, ये भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आप लोग मुझे ईमेल पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक पे भी जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। इनर डीएम एंड डीएफ को कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। पहले तो आपको नाड़ी शोधना, जो मेडिटेशन होता है, जो योगा होता है, ये आपको करना है, ठीक है। प्राणायाम होता है, एक नाड़ी शोधना, आप लोग यूट्यूब पर सर्च कर लेना कैसे उनको करना है, तो ये आपको करना है। क्योंकि नाड़ी शोधना अगर नहीं होगी आपकी, तो आपकी कोई भी चक्रा हील नहीं होगी, ठीक है। नाड़ी शोधना अगर आप नहीं करोगे तो आपके रूट चक्रा भी हील नहीं हो सकता, ब्लॉकेजेस फ्री नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले हमें नाड़ी शोधना मेडिटेशन करना है, ठीक है। कुंभक प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है और सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करना है, हील करना है, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई है अच्छे से डिटेल्स के साथ एक्सप्लेन करके, तो वो वीडियो आप लोग ज़रूर देखना। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दे दूँगी, आप लोग देखना और वहाँ से आपको पता चलेगा कि सुषुम्ना नाड़ी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हमारे जो तीन नाड़ी होती है, इरा, पिंगला एंड सुषुम्ना, इन तीनों नाड़ी को हमें कैसे हील करना है, ओके, कैसे उनमें मतलब पॉजिटिविटी भरना है, ठीक है, क्रिएट करना है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है गाइज, ठीक है। सुषुम्ना नाड़ी को पहले आप लोग हील करो, फिर देखना आपके इनर डीएम एंड डीएफ कैसे बैलेंस होता है अपने आप, ठीक है, और आपकी सेवन चक्रास भी हील हो जाएगा, ठीक है। तो नाड़ी शोधना आपको मेडिटेशन करना है, कुंभक प्राणायाम करना है, अनुलोम विलोम करना है और सुषुम्ना नाड़ी को क्लीन करना है, हील करना है, ठीक है। ये चारों अगर आप करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा। आप ट्राई करके देखो, देखना आप 3 से 4 महीने में आप लोगों को रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको अच्छी नींद लेनी है, ठीक है। आपको बुक्स रीड करनी है, जो भी नॉन फिक्शन बुक होता है, अच्छी अच्छी किताबें होती है, ठीक है, जहाँ पे हमें ज्ञान मिलता है, ठीक है, हमें लाइफ को आगे कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिया होता है, ठीक है। तो इस तरह के से आप लोग किसी की लाइफ स्टोरी भी आप पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो, उन्होंने कैसे अपने लाइफ को मतलब आगे ले गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें किताबें आप पढ़ सकते हो, ठीक है, स्टोरी आप पढ़ सकते हो। खुद के साथ जितने ज़्यादा आप टाइम स्पेंड करोगे उतने ही आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, उतने ही आप अपने इनर डीएम को, डीएफ को पहचान सकोगे, आप समझ सकोगे कि मेरे अंदर कौन सी एनर्जी ज़्यादा मतलब हावी हो रहा है, ठीक है, डीएम या फिर फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। तो ये आप देख लेना, तो खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना। आप गार्डन में घूम सकते हो, ठीक है, जहाँ पर ग्रीन हो, ठीक है, बहुत सारे पेड़ पौधे का, ठीक है, गार्डन हो, फूलों का गार्डन हो, वहाँ पे आप जा सकते हो, पेड़ पौधे का केयर कर सकते हो, फूलों का केयर कर सकते हो, ठीक है। जितनी हो सके आप नेचर से जुड़ने की कोशिश करना, ठीक है। डांस कर सकते हो, गाना गा सकते हो, जो भी आप क्रिएटिव आपको है, ठीक है, जो भी आपकी क्रिएटिविटी है आपके अंदर,
वो आप कर सकते हो। ठीक है, जर्नलिंग करना है, जर्नलिंग कैसे करना है, आपको एक पेपर पेन लेना है और आपके जितने भी मतलब आदतें हैं, जितने भी मेल आदतें हैं, मेल एनर्जी है वो आप लिखो, साइड में आप आपकी फैमिली एनर्जी लिखो। ठीक है, आप जो भी जेंडर से बिलोंग करते हो, ठीक है, आप अगर एक फीमेल हो तो भी आपको लिखना है, अगर आप मेल हो तो भी आपको लिखना है कि आपके अंदर कितने ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी है और कितने ज़्यादा मेल एनर्जी। ठीक है, उनको आप बैलेंस करना होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपको एक्सरसाइज करना है, वॉक करना है। ठीक है, एक्सरसाइज आप जो भी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो भी आपकी बॉडी के लिए मतलब ठीक है फिट हो वो आप कर सकते हो, यूट्यूब पर आप लोग देख लेना अच्छे से। ठीक है, वॉक कर सकते हो, जॉगिंग कर सकते हो। ठीक है, जितने ज़्यादा आप वॉक करोगे, जॉगिंग करोगे, ठीक है, तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट है ग्राउंडिंग कॉर्ड मेडिटेशन। ये मैंने जो चक्रास के ऊपर वीडियो बनाया है उसमें मैंने बताया है ग्राउंडिंग कॉर्ड मेडिटेशन, ये बहुत ज़्यादा बेटर होता है, रूट चक्रा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और इनर डीएम एंड डीएफ को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ग्राउंडिंग कॉर्ड मेडिटेशन, आपके बाया हाथ को आपके चेस्ट के ऊपर रखना है, ठीक है, और एक हाथ को नेक्स्ट राइट हाथ को आपको क्या करना है, मतलब ग्राउंड पे टच करना है। ठीक है, और आपको प्रे करना है कि मदर अर्थ आपकी जो भी पॉजिटिव एनर्जी है वो आप मुझे दो, ठीक है, मुझे हील करो। ठीक है, ये आपको प्रे करना है और आंखें बंद करके ऐसे ही आपको 5 से 10 मिनट तक रहना है। आपको देखना कितनी ज़्यादा आपको इंस्टेंट आपको बहुत अच्छी फीलिंग होगी। ठीक है, आप लोग करके देखो। नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेचर के साथ आप लोग टाइम स्पेंड करो, यह बहुत ज़्यादा बेटर होता है। मैंने खुद रिजल्ट्स मिला है मुझे। ठीक है, मैं भी कभी भी अगर ठीक है मन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, दुख होता है, तकलीफ़ होता है, ठीक है, दिल अच्छा नहीं होता, तब मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी लो एनर्जी जब फील होता है मुझे तब मैं गार्डन में जाती हूँ और पेड़ पौधे से बात करती हूँ, ठीक है, उनको सहलाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि वो लोग मुझसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा फील होता है मुझे, और आसमान की तरफ देखती रहती हूँ, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा पीस फील कराते हैं। तो आप ये करो, नेचर के साथ जुड़ो, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। वीकली गोल्स को आप पहले से ही सेट कर डालो, ठीक है, इस वीक में, ठीक है, मतलब आप समझो कि आज संडे है और मंडे से सैटरडे तक, ठीक है, आपको क्या करना है, ठीक है, ये वीक आपको क्या करना है, वो आपको पहले से ही आपको सेट करना है, आपको पहले से ही प्लान करना है। एक पेपर पेन लो, आपको आपको लिखना है कि मंडे में हमें क्या करना है, ठीक है, क्या क्या काम निपटाना है, ट्यूसडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लिखो। ऐसे करने से ना आप क्या करोगे, आप बहुत ज़्यादा मतलब बिजी शेड्यूल में आ जाओगे और आपको सोचना नहीं होगा कि मंडे को ये करना है, क्या करूँ, टाइम जा रहा है, ये करूँ, तो ऐसा नहीं होगा अगर आप पहले से ही अपना मतलब प्लान सेट करके रखो तो, ठीक है। नेक्स्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आपको मिलना है, जुलना है, उनकी प्रॉब्लम्स भी आपको सुनना है, ठीक है, खुद की प्रॉब्लम्स भी आप थोड़ी ज़्यादा शेयर कर सकते हो उनको, ठीक है, अगर आपको कुछ हेल्प मिल जाए तो उनसे, और उनकी प्रॉब्लम भी आप सुन सकते हो, आप भी उनको कुछ सोल्यूशन दे सकते हो। जितनी ज़्यादा उनके साथ खुशियाँ बांटो, उनकी खुशियाँ भी आप बांटो, ठीक है, एक साथ मतलब, ठीक है, अनजाने भी हो सकता है, आपके पहचान वाले भी हो सकते हैं, आपके घर के इंसान भी हो सकते हैं, ठीक है, जितनी ज़्यादा आप बाहर जाके लोगों के साथ घुलोगे, मिलोगे, उनके बातें भी सुनोगे, खुद के बातें भी शेयर करोगे, तो देखना आपकी लाइफ कैसे इजीली हील हो जाता है, ठीक है, और आपके जो इनर डीएम एंड डीएफ है वो भी बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी कुछ पॉइंट्स थी, ठीक है, बहुत अच्छा पॉइंट है, आप देखो मैंने भी यूज़ किया है ये सारे पॉइंट, तो मुझे भी फ़ायदा मिला है, इसी वजह से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि आप लोग भी ट्राई करो, आपको भी फ़ायदा मिलेगा, अगर आपके अंदर डीएम एंड डीएफ बैलेंस नहीं है तो, ठीक है, तो बैलेंस करो, इनर डीएम एंड डीएफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बैलेंस करना, ठीक है, हमारे ऐसे भी रेगुलर लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए और ट्विन फ्लेम जर्नी को भी आगे बढ़ाने के लिए, रीयूनियन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन जो हमारे अंदर है, ठीक है, उसे मर्ज करवाना, उसे बैलेंस करवाना, ठीक है, मर्जिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है गाइस, आज की वीडियो है बैलेंस के ऊपर, ठीक है, कैसे इस दो एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है, तो ये आप करो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी मेरी बात, अगर नहीं समझ में आई, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो, आपको कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, ठीक है।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना मेरे चैनल को, एंड वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बताना ज़रूर कमेंट में आपको कितने ज़्यादा हेल्प मिली है, ठीक है? आप ट्राई करके देखो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है? तो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।